सर, आपकी बुक लड़कियों की डायरी से तहरीर है क्या? वो लड़का वाकई आपसे मोहब्बत करता है? बतौर माहिर नफ्सियात बेशुमार लड़कियाँ मुझसे कांटेक्ट करके पूछती हैं, सर कैसे पता चलता है कोई लड़का वाकई आपसे मोहब्बत करता है या वो सिर्फ आपके जज्बात से खेल रहा है? वैसे तो इस सवाल का सादा सा जवाब है कि आप किसी भी लड़के के लफ्ज़ों पर एतबार करने के बजाय इसका अमल देखें, क्योंकि बेशुमार लोग सिर्फ झूठे दावे करते हैं लेकिन इनका अमल सिफर होता है। लड़के की मोहब्बत को जो चेक करने का तरीका है वो यही जी है कि आप उसके अल्फाज की बजाय उसके अमाल को देखें, यानी कि उसके वर्ड्स की बजाय उसके एक्शंस को देखें। आप देखिएगा कि जो धोखेबाज हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, अमल उनका ज़ीरो होगा या बहुत थोड़ा होगा। यानी जी लेकिन जो ओरिजिनल, जो मुखलिस लोग होते हैं, जो जेन्युइन लोग होते हैं, उनके अमाल होते हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वर्ड ओरिएंटेड नहीं होते हैं। तो बिल्कुल बड़ा आसान सा ही है कि मैं लड़कियां मुझसे राबता करती हैं अपना लव एनालिसिस करवाने के लिए, रिलेशनशिप एनालिसिस करवाने के लिए, पिक्चर एनालिसिस करवाने के लिए, और बहुत तरह से ताकि वो अंधेरे से रोशनी में आ जाए। जी तो उनको जब मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो मुखलिस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि मुखलिस लोग नहीं हैं, दुनिया में मुखलिस लड़के भी बहुत हैं, मुखलिस लोग भी बहुत हैं। सिर्फ यह है कि आपकी आँख होनी चाहिए। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लड़कियाँ ये गलती कर लेती हैं कि वो मुखलिस लड़के के साथ ज़ाहिर है ताल्लुक़ ख़राब कर लेती हैं धोखेबाज से, धोखा खाने के जी बाद, या सिर्फ वहम की वजह से, या लोगों के और ये सारी बातों की वजह से। आपको ये देखना चाहिए कि जिसके साथ अगर आपका ताल्लुक है, अगर वो मुखलिस है तो फिर आप दिल से उसके साथ चलें। अगर वो मुखलिस नहीं है तो फिर ज़ाहिर है फिर आपको और तरीका कार देखना चाहिए कि मुझे इसको कैसे डील करना है। तो जी वरना मेरा ये ख्याल है कि आपको एक आम जो देखा जा सकता है कि वो एक्शन ओरिएंटेड है कि नहीं, वो कर भी रहा है कि नहीं, जी खाली डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है या वो गेम खेल रहा है आपके साथ, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। जी और हम चाहिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है लोग जब वीडियो देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारा ताल्लुक ऐसा नहीं है, तो ये है कि आपका केस क्या है, इंडिविजुअल जो है ना वो भी मैटर करता है। आपका इंडिविजुअल केस है वो क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें बिहेवियर पैटर्न क्या है। कई दफ़ा जी ऐसा भी होता है कि पूरा पैटर्न देखना पड़ता है बिल्कुल दूसरे शख्स का कि बिहेवियर पैटर्न क्या है। हो सकता है कि एक मुखलिस शख्स कभी गलती कर ले, लेकिन उसके पिछले उसके माजी को पैटर्न को देखना पड़ेगा, जी तभी तो हमें पता चलेगा। बगैर उसके पैटर्न देखे तभी हम उसको डी कोड नहीं कर सकते। तो डी कोड करना बहुत ज़रूरी है, लड़के जी को, लड़के के बिहेवियर को, उसके जो इंटेंशंस हैं उसको डी कोड करना बड़ा ज़रूरी है। जी इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं जिनके आंसर्स आपको ये जानने में मदद देंगे क्या वो आपसे वाकई मोहब्बत करता है या नहीं। ये क्वेश्चंस ये हैं, क्या वो जो कहता है वो करता भी है या वो सिर्फ बातें ही करता है, अमल कुछ नहीं करता? पहला सवाल, पहला इंपॉर्टेंट जो सवाल है या जो आप अपने आप से पूछेंगे, इसके जी जवाब दें कि आपका किसी शख्स के साथ एक माह का ताल्लुक है, एक साल का, 2 साल, 4 साल, जितना भी है, तो आप जो है ना थिंक ऑन अ पेपर, यानी कि बहुत सारे लोग जहन में सोचते हैं, माहिरीन जो है वो जहन में सोचने को रिकमेंड नहीं करते। वो कहते हैं क्योंकि जहन में चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, पेपर पर चीज़ें मिक्स नहीं होती। अगर आप जी उनका सीक्वेंस बनाएंगे तो वो मिक्स नहीं होगी। तो आप पेपर पे थिंक ऑन अ पेपर, जब आप जी पेपर पे सोचते हैं तो आप उसके ड्रॉ करें, माइंड मैपिंग करें, उसका देखें कि उस लड़के का बिहेवियर क्या है, क्या सिर्फ वो बातें करता है या वाकई कुछ अमल भी उसके पास है, यानी जी अमल भी है कि नहीं है, ये पहला सवाल है। क्या वो आपके जज्बात को भी समझता है या इसके नज़दीक सिर्फ अपने ही जज्बात की अहमियत है और इसे सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है? ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो आपके भी इमोशंस को समझता है कि सिर्फ उसको अपने ही इमोशंस की फिक्र है, जी यानी कहीं उसको कहीं अपनी सेक्स ड्राइव की तो नहीं पड़ी हुई, कहीं उसको अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने की तो नहीं पड़ी हुई, कहीं वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करना तो नहीं चाहता, कहीं आपको वन साइडेड यूज़ करके फेंकना तो नहीं चाहता। तो इसके जी लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप देखें, क्योंकि किसी के हाथों इस्तेमाल होना कोई अकलमंदी नहीं है, चाहे वो आप उस पर मोहब्बत का लेबल लगा दें, कोई ताल्लुक का लगा दें, कुछ भी, कोई भी किसी किस्म का भी लेबल लगाने के बाद, क्योंकि जब आप इस्तेमाल होते हैं तो आप ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि जब ताल्लुक दो तरफा होता है तो आप ड्रेन नहीं होते हैं, जी आप दोनों एक दूसरे को भरते हैं, एक दूसरे को सैराब करते हैं, एक दूसरे को आप लेके आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, दोनों की ग्रोथ होती है। लेकिन जी जो वन साइडेड होता है जिसमें एक शख्स धोखा दे रहा होता है, मुखलिस नहीं होता, उससे दूसरा शख्स मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर तरह से ड्रेन हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, सिर्फ वो दे रहा होता है और उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जाती है। जी उसमें ग्रोथ की बजाय दूसरा शख्स ग्रो कर रहा होगा क्योंकि वो आपको सक कर रहा है, और दूसरा जो दूसरा है वो ज़ाहिर उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। जी क्या वो अपनी गलती मानता है या वो खुद किसी किस्म की भी गलती करने से पाक समझकर हर बात में सिर्फ आपका ही कसूर निकालता है? ये भी देखना पड़ता है कि लड़का जो है कहीं मैनिपुलेटर तो नहीं है, इतना मैनिपुलेटर
कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसमें आपका फॉल्ट निकालता है, क्योंकि अपना फॉल्ट तस्लीम करना ये बहुत बड़ी दानिशमंदी है, अकलमंदी है, और मुखलिस लोग ऐसा करते हैं। जो धोखेबाज है वो मैनिपुलेटर होता है, वो देखता है आपके अंदर से और कहता है नहीं ये मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह, ठीक है एक गलती मेरी वजह से, दूसरी भी तीसरी भी, वो सारी चीज़ों का ब्लेम आपके सर पर डाल देता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि दूसरा शख्स आपके साथ मुखलिस नहीं है, क्योंकि वो मैनिपुलेशन करता है, मैनिपुलेशन के अंदर सारा कसूर आप पर डाल देता है, क्योंकि आप कसूरवार हैं, वो उससे गलती होती ही नहीं, वो कोई कोताही करता ही नहीं, वो परफेक्ट होता है। तो हो सकता है कि वो नार्सिस्ट भी हो सकता है कि वो टॉक्सिक हो सकता है वो अब्यूजर हो, और उसको कोई और पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर हो। जी, क्या उसकी गलती होते हुए भी आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है? अच्छा, ये भी देखना पड़ता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमें माफ़ी मांगना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल ही ऑफ बैलेंस हो जाए रिलेशनशिप, कि गलतियां वो करें माफ़ी आप मांगे। बहुत सारी लड़कियों की तादाद ऐसी है जो लड़कों के पीछे भागती है, रोती है, वो उनको ब्लॉक कर देते हैं, फिर भी पीछे वो मैसेज करते हैं, क्योंकि लड़कियां, मैं बार बार कहता हूँ, हज़ार बार कहता हूँ, लाख बार कहता हूँ, कि इमोशनली रिच होती हैं, उनको अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता, उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता, उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, जिसका फ़ायदा लड़के उठाते हैं, और उनके पीछे भागती हैं, मैसेजेस करती हैं, कॉल्स करती हैं, और माफ़ियाँ मांगती हैं, गलती दूसरे की होती है। या मैनिपुलेटर जो होता है वो ऐसी मैनिपुलेशन खेलता है, माइंड गेम खेलता है, कि गलती उसकी होती है, आपको लगता है कि आपकी गलती है। यानी ये भी एक टेक्निक है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की एक टेक्निक ये भी है कि आप खताकार हों, गलती आपने की हो, कसूरवार आप हों, लेकिन मैनिपुलेटर जो है वो अपने आप के बजाय आपको कसूरवार ठहरा दे। और मज़े की बात यह है कि ठहराए भी और आपको लगने भी लग जाए, यानी एक थर्ड पार्ट ये भी है। एक तो पार्ट ये है ना कि आपको, पहला पार्ट है कि वो कसूरवार है, दूसरा कि वो आप पर ब्लेम डालता है मैनिपुलेशन के जरिए, थर्ड है जो कि वर्स्ट कंडीशन है कि आप वाकई अपने आप को कसूरवार समझने लग जाएं कि जितना कुछ भी हुआ है रिलेशनशिप का जो डैमेज है वो मेरी वजह से हुआ, या वरना ये रिलेशन बहुत अच्छा होता, बेहतरीन होता, आई एम द वन जिसने रिलेशनशिप को डैमेज किया है। क्या अगर उसका झूठ पकड़ा जाए तो वो शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है या अपनी झूठ की दलील देता है कि मैंने तुम्हारी वजह से झूठ बोला, क्योंकि अगर मैं तुमसे झूठ ना बोलता तो सच सुनकर तुम्हें दुख होता? ये मैनिपुलेशन है कि वो अगर पकड़ा जाए, ठीक है ना, पहली बात है तो धोखेबाज पकड़ा जल्दी नहीं जाता, लेकिन पकड़ा जाए तो वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है। वो कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये झूठ, मैंने ये धोखा, मैंने ये फ्रेब, ये फ्रॉड तुम्हारी वजह से किया कि तुम्हें तो हर्ट ना हो, यानी कि वो ऐसे, मैंने बताया ना कि मैनिपुलेशन ऐसी खेलता है कि आपको बताता है कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, वरना मेरा क्या था, मैं तुम्हारे साथ सच पहले दिन ही बोल देता, मेरा क्या था, मैं तुम्हें पहले दिन ही सब कुछ बता देता। लेकिन वो मैनिपुलेशन के जरिए आपको ये यकीन दिलाता है कि ये सारा कुछ जो है, जो मेरा झूठ पकड़ा गया है, पहले तो वो मानता नहीं है, ये भी बड़ी बात है कि वो मानेगा ही नहीं, अगर वो मान जाए, आप उसके सामने उसके सारे प्रूफ रख दें तो वो कहेगा अच्छा ये तो मैंने तुम्हारी वजह से किया, ये भी है। लेकिन अगर एक मुखलिस इंसान है उससे गलती हो जाए, उसमें क्या फ़र्क है? मुखलिस इंसान अपनी गलती मानता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, उसे एहसास शर्मिंदगी होता है, एहसास नदामत होता है, वो शर्मिंदा होता है, वो फिर रिलेशनशिप को बेहतर बना। मुखलिस शख्स भी गलती कर सकता है, किसने कहा नहीं कर सकता, लेकिन उसका तरीकाकार चीज़ को हैंडल करने का और होगा, धोखेबाज फ्रॉडी दो नंबर का तरीका, उसी चीज़ को हैंडल करें, उसी को तो हम फिर डीकोड करेंगे कि ये धोखेबाज है कि या नहीं है। ये जो ऐसे मोमेंट्स होते हैं इन्हीं से पता चलता है दूसरा शख्स जो अनलीश हो जाता है, खुल के सामने आ जाता है। क्या वो बैठकर बात करने यानी आराम से बात करने की बजाय लड़ता है? यानी कि जो धोखेबाज होता है ना, दो नंबर आदमी जो होता है या जिसको डिसऑर्डर होता है, वो आराम से कम्युनिकेट करने के बजाय उछलता है, अपने आप को अपना अपर हैंड बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा बारोब बनने की, गालियाँ निकालेगा, बुरा भला कहेगा, गंद बोलेगा, शो करेगा कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, इससे लड़की दब जाएगी, अब लोअर हैंड पे चली जाएगी, ओहो वो क्या हो गया, वो यानी कि उसको ज़ुबान खोलने नहीं देगा। जैसे नहीं हमारे मास्टर के अंदर लोग कहते हैं औरत ना बोले, औरत ना बोले, गूंगी लड़कियों से शादी भी नहीं करते हैं, फिर तो ये कहें कि हमें गूंगी लड़कियाँ, ये एक मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेटिव मुनाफिक माशरा इस तरह की हरकतें करता है, वरना लड़की को ये चाहिए या जो भी रिलेशनशिप बनाना चाहता है लड़का लड़की, वो कम्युनिकेट करते हैं, वो टेबल टॉक करते हैं, उनका उनकी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, मसाइल पर वो बात करके दुनिया का हर मसला बात करके सुलझाया जा सकता है, अगर दोनों नॉर्मल ह्यूमन बींग है, अगर दोनों हेल्दी ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों में से अगर एक को भी डिसऑर्डर है तो वो उछलेगा, कूदेगा, बात नहीं करेगा, बात को बढ़ाएगा, बतंगड़ बनाएगा, ख़राब कर देगा, ताल्लुक को भी ख़राब करेगा और अपने आप को भी ख़राब कर लेगा।
आपको उसके साथ एक ही बात पर बार बार बहस करनी पड़ती है? यानी कि देखें, उसका जो है ना अपनी बात मनवाना उसको चाहता है, आपकी बात के लिए आप उसकी बात मनवा, अपनी बात उसके आगे रखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो मानेगा ही नहीं। बार 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 बहस करना उसके साथ, यानी वो आपको बहस पर लेकर आता है, यानी कि वो सीधी तरह से एक बार कहने पर नहीं मानता। बहुत दफ़ा कुछ दिन पहले भी एक खातून कपल थेरेपी के लिए मेरे पास अपने शोहर लेके आई, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको 1000 बार कहती हूँ फिर ये कोई चीज़ लाते हैं। हालांकि उनकी इनकम बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार इनकम थी, यानी कि ऐसा नहीं कि गरीब आदमी थे। तो मैंने उनके हस्बैंड से पूछा तो वो मेरी तरफ देखने लगे, वो कहते हैं हाँ ये ऐसा है। तो मैंने कहा देखें ये एक नॉर्मल बात है, या तो आपके पास पैसे ना हो फिर भी ऐसा, लेकिन ये है कि एक ही बात आपको बार बार कहनी पड़ती, बार बार इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और अंदर से यानी कि बंदा मुखलिस भी नहीं होता। तो फिर ये है कि बहुत सारे लोगों पर गाइडलाइन भी नहीं होती, फिर वो माहरीन के पास आते हैं और गाइडलाइन ले लेते हैं, दोनों को समझाया जाता है, बताया जाता है कि ये रूल्स हैं इन पर फॉलो करो, कभी उन्होंने इस पर बात नहीं की होती, तो थर्ड बंदा उनके साथ बैठ कर प्रोफेशनल आदमी जब बात करता है तो उनकी बात समझ भी आ जाती है। जी, उसके साथ ताल्लुक में आपके जज्बात क्या हैं? आप खुश हैं, पुरसकून महसूस करती हैं या दुखी और बेचैन रहती हैं? बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है, बहुत बड़ा, कि आप अपने अंदर चेक करें किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है तो आप पुरसकून हैं, ताकतवर हैं, पॉजिटिव महसूस करती हैं या नेगेटिव महसूस करती हैं, जेलस होती हैं, तकलीफ़ आती है, गुस्सा आता है, दुख है, आपकी आँखों में आंसू हैं, चेहरे पर रौनक है, क्या है, इसी से पता चलता है। यानी कि ये बहुत बड़ा एक टेस्ट है कि ताल्लुक का मकसद खुशी है, ताल्लुक का मकसद सुकून है, ताल्लुक का मकसद है कि आपकी ग्रोथ हो, आप पॉजिटिव हो। अगर ताल्लुक आपको ये फरहाम नहीं कर रहा है, उल्टा आपको एक नफसियाती मरीज़ बना रहा है, अगर एक ताल्लुक आपको जज्बाती मरीज़ बना रहा है, अगर एक ताल्लुक आपको जहनी मरीज़ बना रहा है, नफसियाती, जज्बाती या आपको जिस्मानी मरीज़ बना रहा है, तो वो किसी काम का ताल्लुक नहीं है, वो बल्कि डैमेजिंग है, स्लो पॉइजनिंग है। आहिस्ता आहिस्ता आप तड़प तड़प कर तबाह होंगे। एक तो होता है ना डायरेक्ट तबाह, इसमें बहुत ख़तरनाक तरीके से तब जो जहरीला ताल्लुक है वो इंसान की जिंदगी में जहर घोलता है और इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। जी, क्या सिर्फ आप ही से खोने से डरती हैं? याद रखें ताल्लुक दो तरफा होता है, इसलिए खोने का खौफ भी दो तरफा ही होता है, सिर्फ एक कोई एक दूसरे को खोने के खौफ में मुब्तला नहीं होता। यानी कि ये भी एक टेस्ट है, दूसरा शख्स अगर आपको छोड़ने की धमकियाँ देता है, ताल्लुक तोड़ने की धमकियाँ देता है, तलाक की धमकियाँ देता है, इस तरह की जो धमकियां देने वाले लोग हैं, यानी वो कहते हैं यानी उनको ताल्लुक तोड़ने से डर नहीं लगता, तो ये भी ठीक रिलेशनशिप नहीं है। वरना ताल्लुक में दोनों एहतराम करते हैं, दोनों खोने से अगर मुखलिस हैं तो उनकी आंखों में आंसू आएंगे, वो ताल्लुक तोड़ने की तरफ बात नहीं करेंगे। ताल्लुक तोड़ने की धमकियां देना अगर कोई मुखलिस भी देता है जो लाइल्म है, जिसको पता नहीं, वो भी बहुत बड़ी जहालत का मुजाहरा करता है, ये भी ठीक नहीं है। ताल्लुक को निभाना, बनाना, चलाना सीखना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, जैसे आपने ABC लिखना सीखा है, जैसे आपने 1 2 3 लिखना सीखा है, जैसे आपने कपड़े पहना, जराबे पहना, बाल कंघी करना, ब्रश करना, नहाना, ये सीखा ही है ना आपने, इसी तरह ताल्लुक को भी सीखें। आपने यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री ले ली है, आपने कॉलेजेस में जाकर तालीम हासिल कर ली है, आपको सारा कुछ आ गया, आपके पास डिग्री, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आपने MBA कर लिया, आप बिजनेसमैन बन गए, आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन रिलेशनशिप का आपको नहीं पता, तो आई एम सॉरी, आप जीरो हैं। आपके पैसे का कोई फ़ायदा नहीं, आपकी सेहत का कोई, आपकी जहनी सेहत का कोई फ़ायदा नहीं, जज्बाती सेहत का फ़ायदा नहीं। अगर आप ताल्लुकात के मामले में रिलेशनशिप इलिटरेसी आपके पास है, इलिटरेट है अगर आप, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। वो आपके साथ कैसा बिहेवियर करता है? क्या वो आपकी इज्जत करता है? सबसे और अहम आखिरी बात भी ये भी है कि अगला बंदा जो है ना वो आपकी इज्जत भी करता है या नहीं करता है। इज्जत भी करना, इज्जत करना बड़ा ज़रूरी है कि अगला बंदा आपकी इज्जत करे। एक बंदा आपको गालियाँ निकालता है, आप पर गुस्सा करता है। अब कुछ दिन पहले एक लड़की मेरे पास आई, उसकी वो लड़के ने उसकी माँ को भी गालियाँ निकाली, लड़की को भी और उसकी माँ को भी। मैंने कहा अब ये कोई इज्जत करने वाला, ये ताल्लुक रखने वाला, ताल्लुक चलाने वाला है, जो आपके साथ साथ आपके वालदैन के ऊपर भी आ जाए, तो ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत बुरा बिहेवियर है, इज्जत पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। लास्ट वन है, क्या उसका कोई एक रंग है या वो इतने रंग बदलता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि इसके कौन से रंग या रूप पर यकीन करें? देखें, किसी भी शख्स का मुखलिस होने का मतलब यह है कि उसके पास एक रंग होगा, यक रंग होगा, वो मुख्तलिफ रंग नहीं, गिरगिट नहीं होगा कि आज आप उससे मिलें तो बड़ा अच्छा है, कल बात हो रही है तो उसको वो अप एंड डाउन है, मूड डिसऑर्डर का शिकार हुआ हुआ, तो वो तो पहले इलाज कराए। जिसको प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी का, मूड का, किसी किस्म का भी कोई, पहले वो अपना इलाज कराए, वो रिलेशनशिप के लिए रेडी तो नहीं है। रिलेशनशिप तो तब रेडी होता है जब बंदा मेंटली हेल्दी होता है, तो पहले तो लोगों को इलाज की जरूरत होती है। जिसको मूड डिसऑर्डर है, बहुत सारे लोगों को मूड डिसऑर्डर भी होता है, आज कुछ है कल कुछ है, तो ऐसे लोग ज़ाहिर है रिलेशनशिप नहीं चला सकते, उनके साथ रिलेशनशिप बन नहीं सकता। उनके साथ ज़ाहिर है ताल्लुकात आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि आप भी मरीज़ बन जाएंगे। मरीज़ के साथ ताल्लुक बनाने का मतलब यह है
ये भी कॉन्टीजियस होती हैं, यानी कि आम तौर पर लोगों को ये बात पता नहीं चलती, जब आप एक जहरीले शख्स के साथ रहते हैं तो उसका जहर आपके अंदर भी तो आ जाता है ना, वो सारी सिम्टम्स, वो सारी बातें आपके अंदर भी आ जाती हैं, क्योंकि आप उसके डायरेक्ट अब्यूज़ को जो है ना वो फेस कर रहे होते हैं, तो वो और तरह से उसको मसाइल होते हैं, आपके और तरह से मसाइल होते हैं, तो ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि उसका एक रंग हो तभी तो पता चलेगा, वरना अगर एक बंदा रंग बदलता है बार बार, ज़ुबान बदलता है, बात बदलता है, चीज़ें बदलता है, उसके साथ एतबार ही नहीं, जब एतबार ही नहीं होगी मोहब्बत क्या होगी, ताल्लुक़ क्या होगा, उसका मुखलिस होने का जो दावा है बिल्कुल ख़त्म है, ज़ीरो है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी भी ताल्लुक में हैं और आपको उस ताल्लुक की समझ नहीं आ रही है, आप अपनी तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ताल्लुक मुखलिस है या नहीं, ये लड़का मेरे साथ सही है या नहीं, लड़के की मोहब्बत को जो चेक करने का तरीका है उसको, अगर उसमें अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, माहिर नफ्सियात की मदद ले सकते हैं इंसान को समझने के लिए, ताकि आप एक मुखलिस शख्स को ना खोएं। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा।